दोस्तों, आखिर बिग बॉस 17 के घर में आते ही सलमान खान ने सीधे सीधे ऐश्वर्य शर्मा और घर के एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर दिया। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर ऐश्वर्य शर्मा तो घर से बाहर हुई ही है, लेकिन साथ ही साथ सलमान खान ने एक और कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है ये कंटेस्टेंट, क्यों खबरें फैल रही हैं ऐसी सोशल मीडिया पर कि घर से एक साथ दो कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देते हैं कि इस बार बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए चार कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे, और ये चार कंटेस्टेंट हैं नील भट्ट, ऐश्वर्य शर्मा, UK07 राइडर और अंकिता लोखंडे। लेकिन आपको ये बता दें कि जैसे ही सलमान खान घर के अंदर आए तो सलमान खान ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले UK07 राइडर को घर से बेघर कर दिया और उनके साथ यहाँ पर ऐश्वर्य शर्मा भी घर से बेघर हो गई। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो दो कंटेस्टेंट को लेकर ये खबरें फैल रही थी कि एक साथ घर से बेघर हो चुके हैं, इन दोनों में से आपको बता दें कि अब सिर्फ ऐश्वर्य शर्मा ही घर से बाहर हुई है। जो UK07 राइडर वाली खबर है वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि वो घर से बेघर नहीं हुए हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब घर से बाहर हुई ऐश्वर्य शर्मा तो यहाँ पर ऐश्वर्य शर्मा ने जाते जाते अंकिता लोखंडे को ये कहा कि अंकिता, मेरे पति से बिना मतलब से मत लड़ना और उसे बिना मतलब से परेशान मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में जब से आई हुई हो तब से तुमने हम दोनों को बेहद परेशान किया है, बेहद दुख दिया है, लेकिन मेरी पति की तरफ बिल्कुल भी आंख उठाकर मत देखना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर पहले कहा जा रहा था कि इस बार क्रिसमस की वजह से एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट के सामने ऐश्वर्य शर्मा को घर से बेघर करके एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर खड़ी कर दी है, क्योंकि क्रिसमस वाले हफ्ते में कहा जा रहा है कि कोई भी एलिमिनेशन नहीं होने वाला था। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।